ओके गाइस, सो दिस इज हितेश पाटी एंड दिस इज एडिटोरियल वीडियो ऑफ मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन आरपीजी प्रोटेगोनिस्ट। ओके, कोड फोर्सेस राउंड 94 रेटेड फॉर डिफ 2। बिफोर दिस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। आई पोस्ट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोज। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग टू पर्संस। ओके, यू डिसाइडेड टू रॉब अ टाउन ब्लैक स्मिथ एंड यू टेक अ फॉलोअर विद यू लीव। मैं क्वेश्चन सिंपल वे में समझाता हूँ। वॉट वी आर हैविंग टू वेट्स पी यूनिट्स एंड एफ यूनिट्स। ओके फाइन, वी कैन कैरी एट लीस्ट दिस वेट विद अस। ओके, एट मोस्ट दिस वेट विद अस। ओके, नाउ इन द ब्लैक स्मिथ शॉप वी फाउंड काउंट एस सॉल्ट्स एंड काउंट डब्ल्यू वॉर एक्सेस। फाइन, and each sword weight is s and each axe weight is w units, and what is the maximum number of weapons we can take with us with so simply we are having hamare paas p units and f units weight hai. Fine, hamare paas at least itne swords and axes hain. Fine, and each sword or axes ka weight s and w hai. तो थोड़ा थोड़ा ब्रूट फोर्स है, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। बिकॉज हम क्या करेंगे, देते जाएंगे इनको और जितना मैक्सिमम भर पाएंगे ये लोग अपने साथ उतना भरवा देंगे, एंड इस पे भी उतना भरवा देंगे, एफ यूनिट्स पे और पी यूनिट्स पे, ठीक है। फाइन, तो ये समझ में आ गया। नाउ एक दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि इन एनी केस, ठीक है, इफ लेट सपोज फर्स्ट कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन की, कि जो भी जैसे एस यूनिट ऑफ वेट सॉर्ड का है एंड डब्ल्यू यूनिट ऑफ वेट वॉर एक्स का है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसका वेट कम होगा हम उसकी यूनिट्स ज़्यादा फिल करेंगे एंड जिसका वेट ज़्यादा होगा उसकी यूनिट्स बाद में फिल करेंगे। ओके, ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि जिसका वेट कम होगा ऑब्वियसली हमें नंबर ऑफ वेपन्स मैक्सिमाइज करना है, तो जिसका वेट कम होगा हम उनको ज़्यादा भरेंगे इनके बैग में, ठीक है, बैग की लिमिट पी यूनिट एंड डेफ यूनिट, ठीक है, तो जिसका वेट कम होगा उसको ज़्यादा भरेंगे, ठीक है, एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज इन एनी केस लेट सपोज कि हमने काउंट एस सॉर्ट से, एस सॉर्ट से मान लो हमने आई सॉर्ट्स इस बैग में डाल दिए, ठीक है, तो बची इस बैग में कितनी हम डाल सकते हैं, बची हुई सॉर्ट्स कितनी हो जाएंगी, काउंट ऑफ एस माइनस आई, ठीक है, तो अब इस आई की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, पूरी काउंट ज़ीरो से काउंट ऑफ एस तक लूप लगा लेंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया, हम रैंडम क्यों नहीं डाल सकते, बिकॉज लेट सपोज हमने कुछ मैक्सिमम नंबर जितनी इसको चाहिए थी, लेट सपोज, ठीक है, इसको इसमें मैक्सिमम काउंट सॉर्ट्स हम भर सकते थे लेट सपोज 10। ओके, एंड फिर जो एफ यूनिट्स था उसके लिए सॉर्ट्स बचे ही नहीं, काउंट ऑफ एस माइनस 10 कर दिया तो मान लो 2 सॉर्ट्स ही बचे, बट एफ का वेट ये 2 से ज़्यादा दे सकता था, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर पॉसिबल वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी ज़ीरो से काउंट ऑफ एस तक या ज़ीरो से काउंट ऑफ डब्ल्यू तक, ठीक है, कि हम आई सॉर्ट्स इसको दे दें एंड बची हुई एन माइनस काउंट ऑफ एस माइनस आई सॉर्ट्स इसको दें, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दोबारा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, अगेन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि जिसका भी वेट कम होगा हम मोस्टली चीज़ें पहले उसको डाल के देखेंगे बैग के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज वी विल ब्रूट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ सॉर्ट्स विच वी विल पुट इन पी यूनिट्स बैग एंड एफ यूनिट्स बैग। इट मीन्स कि हमें ऑब्वियसली हर वैल्यू वो ब्रूट करनी पड़ेगी, मान लो कि हमने आई वैल्यूज इसमें डाली सॉर्ट्स की, आई सॉर्ट्स इसमें डाली तो काउंट ऑफ एस माइनस आई सॉर्ट्स इसमें डालेंगे, ठीक है, फाइन, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो डायरेक्टली इसमें ब्रूट का कोड दिखाता हूँ बिकॉज इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, जो भी था यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया।
तो क्या है, पी एफ, पी और एफ लिया और इनपुट ले लिया, और जो भी मिनिमम था हमने उसको स्वैप कर लिया पहले, ठीक है फाइन, ओके। नाउ ए भी लिया, मीन्स काउंट ऑफ सॉल्ट्स एंड एक्सेस एंड उनका वेट, ओके, एंड जिसका भी वेट मिनिमम था, ठीक है, अगर ए डब्ल्यू मिनिमम ज़्यादा तभी से तो स्वैप कर लिया, ठीक है, मीन्स हमने जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें मिनिमम मेंटेन कर लिया ये करके, ठीक है, एंड ऑब्वियसली वेट स्वैप कर रहे हैं तो उनके काउंट भी स्वैप कर दिए, ठीक है, तो मिनिमम मेंटेन हमने किस में कर लिया, ए में, एंड तो अब हमारे मिनिमम वेट किसका है, ए डब्ल्यू में, ठीक है फाइन। नाउ इन दिस लूप वी लूप फॉर एवरी वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सॉल्ट विच वी विल गिव टू एनी पर्सन, इधर पी और एफ, ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले टेम्परेरी वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया सारी चीज़ें, ठीक है, ए ए डब्ल्यू, बी बी डब्ल्यू एंड पी पी एफ, पी एफ, ओके। फर्स्टली हमने क्या किया, एक्स वन को, ठीक है, एक्स वन में क्या है हमारा, एक्स वन में हमारा पी है, हमने पी यूनिट्स वाले को, पी यूनिट्स वाले बैग को हमने क्या दिया, आई सॉर्ट्स दे दी, सॉर्ट्स मीन्स आई सॉर्ट्स देने का मतलब क्या हुआ कि आई क्रॉस ए टू अगर उसके वेट से कम है या इक्वल है तो हमने क्या किया, टेम्प में अपनी आई सॉर्ट्स स्टोर करवा ली जितनी हम उसे दे रहे हैं, ऑब्वियसली नंबर ऑफ सॉर्ट्स से अब वो सॉर्ट्स निकल जाएंगी, ठीक है, एंड उस वेट से भी उतना वेट कम हो जाएगा क्योंकि हमने उतना स्टोर करवा दिया है अपने पी यूनिट वाले बैग में और एक्स वन यूनिट वाले बैग में, ठीक है फाइन। नाउ अब हमें क्या करना है, हमने सॉर्ट्स तो भर दी, अब हमें क्या भरना है, सॉरी हमने सॉर्ट्स भर दी, नाउ हमें एक्सेस भरनी है, एक्सेस कैसे भरेंगे, एक्सेस भरने के दो ऑप्शन है, या तो हम सारी की सारी एक्सेस भर दें, अगर पी यूनिट में जगह होगी तो सारी एक्सेस भर देंगे, अगर पी यूनिट में जगह नहीं होगी तो जितनी जगह है उतनी एक्सेस भरेंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया, सारी एक्सेस और एक्स वन बाई बी टू, एक्स वन बाई बी टू का मतलब जो वेट हमारे पास रिमेनिंग था एक्स वन में बाई बी टू पर एक्स का वेट, तो कितनी हम भर सकते हैं उतने वेट में और कितनी रिमेनिंग है, उन दोनों का मिनिमम लिया, ठीक है, और अपने टोटल एक्सेस में मतलब टोटल आंसर का काउंट जितने वेपन्स हैं उसमें एडिशन कर दिया, ठीक है फाइन, और ऑब्वियसली एक्सेस से काउंट माइनस कर दिया क्योंकि इतनी एक्सेस हमने फर्स्ट बैग में पी यूनिट्स वाले में भर दिए, फाइन। तो यहाँ तक क्या हुआ हमारा, यहाँ तक हमने पी यूनिट वाले बैग में जितना भर सकते थे वेपन्स उतने वेपन्स भर दिए और वो वेपन्स हैं 10। नाउ वी विल चेक फॉर बैग विद एफ यूनिट, तो हमने क्या किया, ऑब्वियसली मिनिमम ऑफ ए वन, ए वन इज जितनी शॉर्ट्स बची थी एंड वाई वन में जितनी शॉर्ट्स हम भर सकते थे, मतलब एफ यूनिट वाले बैग में जितनी शॉर्ट्स भर सकते थे और जितनी शॉर्ट्स बची थी उसका मिनिमम लिया, ठीक है, एंड अपने वेपन्स में काउंट में इंक्रीज कर दिया, ठीक है, टोटल आंसर वेपन काउंट में इंक्रीज कर दिया जितनी भी हम भर सकते थे, और ऑब्वियसली नंबर ऑफ शॉर्ट्स में क्या किया, उसके वेट से माइनस कर दिया, सिंस हमारे पास एफ यूनिट का बैग था और हमने उसमें इतनी शॉर्ट्स भर दी हैं, कितनी शॉर्ट्स भर दी, काउंट शॉर्ट्स भर दी हैं, तो उसका वेट कितना डिक्रीज हो गया, काउंट क्रॉस ए टू, फाइन। अब क्या कर सकते हैं, अब हम भर सकते हैं एफ यूनिट वाले बैग में एक्सेस, ठीक है, तो सेम अगेन हमने क्या किया, मिनिमम ऑफ वाई वन बाई बी टू एंड बी वन, रिमेनिंग एक्सेस एंड एक्सेस वी कैन फिल, ओके, एट एनी पॉइंट, उतने वेपन्स फिर से फिल कर दिए, ओके, एंड फिर अपने आंसर में क्या ले लिया, टोटल नंबर ऑफ वेपन्स हमने इस केस में बनाए हैं मैक्सिमम ले लिया उसका, ठीक है, तो ये लूप में हमारा क्या मिल गया, हमें दैट एवरी केस कि हमने आई शॉर्ट्स अपने पी यूनिट वाले बैग में डाली है एंड टोटल शॉर्ट्स माइनस आई अपने एफ यूनिट वाले बैग में डाली है, तो टोटल ब्रूट क्वेश्चन था एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो, इफ नॉट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन योर डाउट,
एंड मोस्ट प्रोबेबली सिंस ओपन फेज हैकिंग राउंड है तो मोस्ट प्रोबेबली दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट. ओके एंड लेट्स सी. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप दिस वीडियो. मीन्स इस वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.